आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube का चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा जुलाई का मास। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। थोड़ा आलस्य यहाँ पर दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़े लेजीनेस मुझे इस पूरे महीने में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ समय और भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु इस समय जोखिम से भरे हुए निर्णय थोड़ा सा आप टाल दे तो अच्छा है। खास तौर से धन से रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए आप टाल दीजिए। बुद्धि और ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें। बौद्धिक, शैक्षिक एवं अध्ययन कार्यों के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा है। छात्र वर्ग के लिए भी ये काफ़ी अच्छा महीना है। दाम्पत्य जीवन में भी सौहार्द बना रहेगा। बात करते हैं पहले सप्ताह की। भाग्य में अपरोध होने के कारण हो सकता है कि कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर कामकाजों में थोड़ी सी देरी का अनुभव आप करें, लेकिन कुल मिलाकर वो कार्य भी हो जाएगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ प्राप्त होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। सप्ताह का पूर्वाद आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। जीवन साथी के लिए के साथ आपके जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे और एक दूसरे का सहयोग भी आपको मिलेगा। हालांकि जीवन साथी की थोड़ी बहुत हेल्थ में इश्यूज मुझे दिखाई यहाँ पर दिख रहे हैं। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। अगर आप राइटर हैं और या आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी फायदा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धन संपत्ति सप्ताह में शुरू में संतान पक्ष से थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन अगर शिक्षा प्रतियोगिता में देखूँ तो काफ़ी सफलता यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंगों को संभाल कर आगे चलाने की बात यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा। धार्मिक कार्यों में थोड़ा बहुत खर्चा आपका हो सकता है। बात करते हैं तीसरे सप्ताह की। तीसरे सप्ताह में ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, इससे आपका काम बिगड़ सकता है। अध्ययन कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। स्टूडेंट वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर वो अच्छे से कार्य करें तो उनको बहुत अच्छे यहाँ पर रिजल्ट मिल सकते हैं। इस सप्ताह में थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ मुझे दिखाई देता है। बात करते हैं लास्ट सप्ताह की। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि कुछ ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को थोड़े दिन के लिए आगे टाल दें तो काफ़ी अच्छा है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए फिर से अच्छा समय है। उनकी जो समझने की शक्ति है और उनकी जो सोचने की शक्ति है उसमें विकास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा महीना स्टूडेंट वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। 18, 19, 27, 28 को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये तो था छोटा सा अवलोकन। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो 9411848508 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, नंबर बंद रहता है। साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं bhatnagar@2411@gmail.com पर। जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो सारे पेड होते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।